हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को एक बहुत बड़ी वैकेंसी के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि इस वीडियो में। तो दोस्तों, ये जो वैकेंसी है वो कर्मचारी राज्य बीमा निगम की ओर से है, यानी कि एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की ओर से ये वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों, यह सभी स्टेट की ओर से वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें दोस्तों आपको स्टेनोग्राफर, MTS और भी बहुत सारे पोस्टेस हैं, जैसे कि दोस्तों अपर डिवीज़न क्लर्क यानी कि UDC का भी पोस्ट इसमें है। दोस्तों, जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो इन सारे फील्डों में अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यह एक बहुत बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आप जॉब कर सकते हैं। और ये दोस्तों फुल्ली गवर्नमेंट जॉब है जो कि परमानेंट है। दोस्तों, यहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं और इस बड़ी वैकेंसी का लाभ भी उठा सकते हैं, और जल्दी से जल्दी इस फॉर्म के लिए अप्लाई करें। दोस्तों, कैसे करना है उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों, सिर्फ अभी इसके बारे में नोटिफिकेशन निकाली गई है और इसके जो लिंक होंगे वो 15 जनवरी 2022 से एक्टिव हो जाएंगे, तब जाकर आप इसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और इसका लास्ट डेट होगा 15 फरवरी 2022, इसका लास्ट डेट होगा। यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, इस वक्त हम ESIC के ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं, यानी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि सभी स्टेट से वैकेंसी निकाली गई है, अपर डिवीज़न क्लर्क के लिए, स्टेनोग्राफर के लिए और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए, चाहे वो अम्बाला हो, न्यू दिल्ली हो, या पटना हो, या असम हो, सारे जगहों से ये वैकेंसी निकाली गई है। तो दोस्तों, यहाँ क्या क्या कैटेगरी आपको मिल रहे हैं मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आइए मैं किसी भी एक स्टेट की वैकेंसी को ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ से हम उसके बारे में आपको बताने वाले हैं। जो UDC है उसमें आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए और कंप्यूटर की नॉलेज आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। और दोस्तों, जो कि स्टेनोग्राफर है वो 12th पास कैंडिडेटों के लिए है और उन्हें भी कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए। और जो MTS है यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ, उन्हें मैट्रिकुलेशन का किसी भी बोर्ड से पास होने चाहिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, इस वक्त मैं पटना के कर्मचारी राज्य बीमा निगम के वैकेंसी के बारे में यहाँ ओपन की है सारी डिटेल्स को, नोटिफिकेशन को। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो आपको अपर डिवीज़न क्लर्क, स्टेनोग्राफर और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए है, और ये बेसिक डायरेक्ट रिक्वायरमेंट है। और यहाँ आपके सारी डिटेल्स दी गई है, पोस्ट को कैटेगरी के वाइज बांटा गया है। और यहाँ टोटल पोस्ट आपको दोस्तों UDC में 43 है और स्टेनो में 16 है और MTS में 37 है। और UDC और स्टेनो की जो पे लेवल होगी वो 4th ग्रेड होगी और 7th सेंट्रल पे कमीशन पे होगी। यहाँ आपकी जो सैलरी होगी वो 25,500 से 81,100 के तक रहेगी। और MTS की जो सैलरी है वो पे लेवल 1 की होगी, यानी कि 18,000 से 56,900 तक होगी। उसके लिए दोस्तों, यहाँ आपकी जो क्वालिफ़िकेशन पूछी गई है वो UDC के लिए है कि किसी भी डिग्री से आप यूनिवर्सिटी पास, यानी कि आपको ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए, और वर्क नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इंक्लूडिंग यूज़ द ऑफिस डाटाबेस, यहाँ आपको कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए और ऑफिस का डाटाबेस, यानी कि आप कंप्यूटर के जितने भी नॉलेज है वो आपके पास होना चाहिए। स्टेनोग्राफर में आप यहां देख सकते हैं 12th पास कैंडिडेटों के लिए है जो किसी भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से है। और स्किल टेस्ट में आपको कंप्यूटर के नॉलेज होने चाहिए। यहां पे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं कि आपको टाइपिंग भी होंगे, जो कि आपको 10 मिनट में 80 वर्ड पर मिनट लगाने होंगे। और यहां जो MTS हैं, MTS वालों के लिए मैट्रिक पास होना ज़रूरी है, उन्हें किसी भी प्रकार की कंप्यूटर की नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ दोस्तों आपके पास होगी तो बहुत ही बढ़िया है।
यहाँ आपके जो एज दिए गए हैं, एज लिमिट्स भी दिए गए हैं यूडीसी और स्टेनो के लिए। यहाँ यूडीसी और स्टेनो के लिए 18 से 27 साल रखी गई है, और भी जो एमटीएस के हैं वो 18 से 25 रखी गई है। एज में जो छूट मिलती है दोस्तों, वो आपको मिलेगी जो कि आपके एज के यानी कि आपके कैटेगरी के वाइज दी गई है, वो आपको छूट मिलने वाली है। तो दोस्तों इसके जो ऑनलाइन डेट हैं वो 15 जनवरी से स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट होंगे आपके 15 फरवरी। और इसके लिए जो फ़ी लगेंगे वो आपको दोस्तों 500 रुपये फीस लगेंगे, जो कि आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। दोस्तों ये बहुत बड़ी वैकेंसी है, यहाँ आप जल्द से जल्द अप्लाई करें। जैसे ही ये लिंक एक्टिव हो जाती है तो आप इसे अप्लाई करें। कर्मचारी राज्य बीमा निगम में बहुत बड़ा अवसर है दोस्तों, जो कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से यह वैकेंसी निकाली गई है। तो आप सभी लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग जल्द से जल्द इसे अप्लाई करें जैसे ही लिंक एक्टिव होता है। तो दोस्तों इसके फॉर्म फिलअप के बारे में भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जैसे ही इसके लिंक एक्टिव हो जाते हैं तो आपको कैसे फॉर्म फिलअप करना है वो सारी डिटेल्स भी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।